हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज तृतीया है। मिथिलांचल में जितने भी मिथिलांचल के जितने सारे होंगे लेडीज, उन सबको पता होगा कि आज तृतीया है। तो देखिए तृतीया है तो आज मैं क्या की हूँ माथे में, इसको धासा बोलते हैं मिथिलांचल में। और तृतीया की जितने भी दीदी बहन हैं सबको शुभकामनाएँ। और कैसी गई ये 15-13 दिन की जो पूजा थी वो कमेंट करके बताइएगा। कोई मिथिलांचल से देख रहे हैं तो जिनकी नई शादी हुई होगी वो सब कमेंट अगर देख रही हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो तृतीया नई शादी वाली जो जिनकी नई शादी हुई है वो तो उनको तो आज उपास से ही मीठा खाना ही है। और जिनके शादी का बहुत दिन हो गए, यानी कि जब तक आप सुहागन हो तब तक ये तृतीया में अनूना खाना पड़ता है, यानी कि बिना नमक का खाना खाना पड़ता है। ऐसा कंपलसरी है और नहीं भी, जिससे पार लगता है वो करते हैं, जिससे नहीं वो पता वो नहीं भी करते हैं। कम से कम 5 साल जितना करना होता है। तो देख सकते हैं मैं क्या लगाई हूँ माथे पे, और आज सारे सबके सब लगाए होंगे, जितने भी उपास की होंगी, जितने भी आज अनूना करेंगी सब करेंगी। वैसे ये अपनी इच्छा की बात है, आप करें तो भी अच्छा, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये अपने अपनी इच्छा की बात होती है। तो हम लोग भी आज घर पे बनाए हैं, जो नमक खाने वाले उनके लिए नमक वाले खाना बनाए हैं, और जो नमक नहीं खाएंगे उनके लिए बिना नमक का खाना बनाए। तो चलिए देखते हैं। मैं बना रही हूँ आलू चना की सब्जी जो कि नमक वाला है। तो प्याज है तो ये मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे चना रात को भिगोने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे खीर बनने के लिए चावल है, इसको रख देते हैं भिगोने के लिए आधे घंटे जितना, इसको पानी में ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छा खीर बनता है इसका। और पूरी के लिए तैयारी हो गई, आटे में जीरा और थोड़ा सा हल्दी रख दी ताकि इसका कलर अच्छा आए। जहाँ पे खीर बन रहा है दूध गर्म होने के लिए रख दिए हैं। और पूरी बनने के लिए तेल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर पूरी बेल के जल्दी फटाफट निकाल लेंगे ताकि सृष्टि सोइए तो उसको भी देखिए आप लोग कितने चैन से सोई हुई है। और तपेली थोड़ा छोटा पड़ रहा था खीर के लिए, इसके लिए मैं बड़ा वाला तपेली रखवा दी ताकि उसमें खीर अच्छे से बन पाए, चिपके नहीं। और यहाँ पे पूरी की तैयारी हो रही है। तो पूरी के लिए आटा अच्छे से गूंथ के तैयार कर लिए, पहले से रख दिए थे इसको गूंथ के। थोड़ी देर बाद आप अगर आटा सानने के बाद गूंथने के बाद थोड़ी देर बाद बनाओ पूरी तो बहुत अच्छा बनता है और आटा अच्छे से सेट हो जाता है। तो खीर के लिए चावल हम लोग दूध में डाल दिए हैं और यहाँ पे गैस थोड़ा साफ कर लेते हैं। थोड़ा फैल गया था किचन में चावल, ये सब का तेल आटे ये सब गिर गया था, तो उसको साफ कर लिए हैं अच्छे से। और यहाँ पर अब पूरी बनाएँगे जो कि ठाकुर जी को भी आज भोग लगाएँगे। खीर पूरी और भिंडी की सब्जी मैं पहले ही बना के रख ली थी, वो मैं नहीं दिखा पाई। और कोमल भी यहाँ पे की है माथे पे धासा, मिथिलांचल में इसको धासा बोलते हैं, और हमारे ठेठी में इसको स्नेह बोलते हैं, इसको ऐसे कुछ बोलते हैं मुझे उतना पता नहीं है, पर करना जानती हूँ सो मैं कर लेती हूँ। तो हम लोग पूरी बेलते बेलते कुछ बातें कर रहे थे, कोमल को बोली मेहंदी भी दिखाओ, मेहंदी दिखा रही थी। और तेल गरम हो गया है तो इसमें आप पूरी डाल देंगे। और पूरी बहुत अच्छा फूला फूला एकदम खिला खिला निकल रहा है, क्योंकि ठाकुर जी को खाना वैसे भी पूरी निकलता ही है, तेल थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया है तो इसके वजह से पूरी थोड़ा थोड़ा सा जल गया है। जला नहीं, बहुत अच्छा है, पर तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो इसको कम फ्लेम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा ताकि तेल थोड़ा सा ठंडा जैसा हो जाए, एकदम से ठंडा नहीं, नहीं तो पूरी बिगड़ जाएगा, अच्छे से फूलेगा नहीं ये।
यहाँ पे दूसरा पूरी भी निकल रहा है। जब तक पूरी निकल रहा है तब तक देख के आते हैं सृष्टि क्या कर रही है। तो पूरी 8 से 10 निकल गया है, अब भोग लगाने के लिए तैयारी सब हो गई है। और खीर की देख लेते हैं, खीर की क्या कंडीशन है। तो खीर भी बन गया है, अच्छे से देख सकते हैं आप लोग, चिपका नहीं है तपेली में। सृष्टि रानी यहाँ पे चैन से सो रही है, इसीलिए तो हमारा काम फटाफट हो गया है। आज 2 चोटी की है, चाइनीज लग रही है। अब महाराज यानी देवर जी टीवी देख रहे हैं, ये अपने मैच में लगे हुए हैं, उनका मैच आ रहा है। तो जब तक सृष्टि सोई है, जब तक खीर बन रहा है, थोड़ा सा कच्चा है, तब तक खीर के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये इलायची दाना को अच्छे से कूट लेंगे, उसमें डाल दिए हैं। और ये चीनी, आप अपने टेस्ट अनुसार, हम लोग थोड़ा मीठा खाते हैं तो मीठा बनाए हैं। इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि ये चीनी इसमें ऐसे ही नीचे बैठा ना रह जाए। 4-5 बार करके मिला लेंगे, गर्म है तो अच्छे से मिल जाता है, घुल जाता है चीनी। और मसाला तो पहले ही डाल चुका है इसमें। तो अब आई बारी ठाकुर जी को भोग लगाने की। तो उनके लिए देखिए कितना अच्छा फूल्हा थाली है, फूल्हा कटोरी है, जो कि मेरी मम्मी दी थी। गोलू को दांत आया था ऊपर, तो गोलू को मिला था ये कटोरी। मामा खिलाते हैं इसमें दूध भात, सॉरी दूध भात नहीं, खीर। तो उसको मेरी मम्मी दी थी, तो अब मैं उसमें ठाकुर जी को खिलाती हूँ। रात को दूध का भोग उसी कटोरी में लगाती हूँ। तो उनके लिए भिंडी का सब्जी हो गया है तैयार, पहले से बना के रख ली थी। खीर पूरी है। और ठाकुर जी के पास खाना कैसे ले जाते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही नहीं ले जाते, इसको ढक के ले जाते हैं उनके खाने को, जो कि हमारे घर में सबसे सर्वश्रेष्ठ महान मतलब जो बोलते हैं ना घर के गार्जियन, वो घर के गार्जियन मेरे घर में बैठे हैं और हमेशा झूले पे वो झूलते रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मंदिर में थोड़ा सा अंधेरा है, नहीं तो मैं अंदर से दिखा देती कि कैसे झूला झूलते रहते हैं वो, बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे घर में है और हम लोगों को उनके सेवा करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे भोग लगाने जा रही है कोमल, कभी मैं कभी कोमल, दोनों जन में से कोई भी भोग लगा लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा ही लिखिएगा। जिन जिन को आशीर्वाद चाहिए होगा कान्हा जी का, वो सब राधे राधे लिखिएगा। देखती हूँ आज कितने जन राधे राधे लिखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और कान्हा जी का आशीर्वाद लेते जाइए। तो कान्हा जी का भोग लगाते टाइम घंटी भी बजाया जाता है। अगर आप लोग कथा सुनते हैं अनुरुद्ध आचार्य जी का, देवकी नंदन जी का, तो उनमें उनकी कथा में या फिर और कथाकारों की कथा में बताया जाता है कि घंटी और ठाकुर जी में क्या रिश्ता है, कितना गहरा रिश्ता है। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा, नहीं तो मैं कभी बताऊँगी कि घंटी में और कान्हा जी में क्या रिश्ता है, घंटी क्यों बजाया जाता है भोग लगाते टाइम। तो चलिए राधे राधे।